भाई, मैंने काम पूरा कर दिया। ये काम बिल्कुल आसान नहीं था, इतनी मेहनत। आप उनको समझाएगा तो? आप उन्हें क्या कहा और तूने किया क्या? लड़की को किडनैप करना था, बूढ़े को नहीं। अब ढूंढो उसे। जैसा आप कहें भाई। अरे क्या कर रहा है तू? इन रुपयों को तू कितनी बार गिनेगा? एक काम करना, मुझे दे देना भाई। ऐसा क्या? तुझ पे वारा मतलब खैरात में दे दिया। मुझसे गलती हो गई मालिक, मुझे माफ कर दो। हाथ देखकर लोग किस्मत बताते हैं, मैं चेहरा देखकर इंसानों का कैरेक्टर बताता हूँ। जिस थाली में खाया उसमें छेद करने वाले सुबान खींचकर उसमें छेद कर देता हूँ। क्या किया इसने? मीटर में झोल किया करता था, पकड़ा गया। फिर सही है। जानता है ना मैं कौन हूँ? माने क्या मजुमदार। चल निकल यहाँ से। काहे को हेरा फेरी किया रे? आओ छोटे आओ। हाँ अभी आता हूँ। मैं कलेक्शन का पैसा लाया हूँ। ये रही आपके इनकम। ठीक है। और ये मेरी मेहनत का। अच्छी बात है। अभी तक मैंने जितने आपके पास जमा किए हैं उसमें ये जोड़कर पूरे 6 लाख रुपए। बहुत अच्छी बात है। तू भी इस तरह मेहनत क्यों नहीं करता है? बिना ब्रेक वाली गाड़ी की तरह ये स्पीड से बढ़ता जा रहा है। सब आपकी कृपा है। तू मुझे बहुत पसंद है, फिर भी एक कमी है। स्पीड से जाना गलत नहीं है, लेकिन कंट्रोल मत खोना, एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है सर जी, अभी मैं निकलता हूँ। हाँ बाद में मिलता हूँ। पैसा संभालना। गुस्सा काबू में रखो भाई, हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है। मालिक आप इसे इतना बढ़ावा क्यों दे रहे? एक दिन आपसे आगे निकल गया तो क्या करोगे? हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, ये कोई बुरी बात नहीं है। वो किसी को टोपी पहनाता है नहीं, मेहनत करता है। और मेहनत करके सक्सेस पाने वालों में से इंडिया में टाटा बिरला और बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सबकी किस्मत उनके जैसी नहीं है। ये सब बातें तेरी समझ में नहीं आने वाली। सक्सेस पाने के लिए सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं है, ग्रहों को अनुकूल होना चाहिए, किस्मत भी साथ देनी चाहिए, तभी लक्ष्मी देवी आती है। और अगर ऐसा ना हो तो इंसान आसमान से नीचे गिर जाता है। एक बात जान ले, ये मेहनत कर रहा है और तिजोरी हमारी भर रही है। अच्छी लग रही हो। So sweet of you. फिर वही। क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं। You're so beautiful. लाओ मैं पकड़ता हूँ। मैं पकड़ूंगा ना। तुम्हारा बोझ मैं उठाऊंगा। हाँ ये बार बार फोन क्यों कर रहा है? फिर से काटा। शॉपिंग तो हो गई, अब क्या कॉफी पीने चले? चलो चलते। तो मिलने का वादा किया, वहाँ लड़की के साथ भटक रहा है। तो शाम तो अरे प्यारे शंकर, अरे तू आ गया। अरे कब से मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ, तू कहाँ रह गया था? लड़की से क्या बोला? लड़की पे लुटाने के लिए तेरे पास पैसा है? मैं पैसा मांग रहा तो नहीं दे रहा। मेरे पैसे कहाँ हैं? इसके बारे में शाम को बात करते ना यार। शाम को क्या बात करेगा मैं? अरे पहले जाके अपनी गाड़ी हटा ले, वो चिल्ला रहा है। हमदर्दी मत जता, वो मेरा मैटर है, मैं संभालूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए तुझसे पैसा वसूल करके रहूंगा। क्या बात है, बहुत पैसे लुटाए। जरा इज्जत से बात कर, तेरी होने वाली भाभी है। अरे क्या बढ़िया, तू तो बड़ा किस्मत वाला है। थैंक्स यार, इसके लिए मेरे पैसे इस्तेमाल किए। कॉफी और थोड़ी शॉपिंग। अरे बाप, कॉफी और शॉपिंग तो कितना खुश लगा। अरे चल उतार, क्या कर रहा है? मैं तेरी इज्जत की शॉपिंग करता हूं। ना इधर देख रही है? तुम क्या देख रही हो? पॉकेट का गिफ्ट लेते हुए शर्म नहीं आती? चला इधर। शाम तक तुझे टाइम देता हूँ, मेरे पैसे मिल जाने चाहिए। नहीं दिया ना, ये तो ट्रेलर है, पूरी फिल्म दिखा दूंगा। अरे भाई कहाँ ले जा रहा है, इसमें सब लेडीज का सामान है, क्या कर रहा है? कोई बात नहीं, अपनी काम वाली को दे दूंगा। वो मेरा दोस्त है। कोई बात नहीं, फिर से विंडो शॉपिंग कर लेंगे। भाग यहाँ से। आपका तो पैसे के नहीं लड़की। बाबा
बेचारे को देखो, कहां से रिक्की आ रही है, पूरी तरह भीगे हैं, सिर्फ का इंतजार कर रहे थे। अब आई क्या जमाना आ गया है आजकल की लड़कियों को देखो, लाज शर्म कुछ है ही नहीं। ये तूने कैसी हालत बनाई है, चल अंदर आ जा। सुन ये ले, ये ड्रेस पहन ले। लड़का कैसा है? बहुत ही सुपर है, वो बहुत अच्छा इंसान है, और पता है वो अमेरिका में पला बड़ा है। हमने सब बात कर ली है, तू देखकर ओके कर ले तो बात पक्की हो जाएगी। मुझे डाउट है। वो क्या? लड़का दिखने में कैसा है, कहीं मोटा तो नहीं? वो सब छोड़, आजकल वो बातें मायने नहीं रखती, लड़के का सेटल होना बहुत जरूरी है। मेरी स्वीट सी आंटी, हमारे दूल्हे राजा है कहाँ? अपनी होने वाली दुल्हन से बात कर रहा है। हाय, सॉरी सॉरी सॉरी। हाय, मैं नंदू हूँ, दुल्हन की फ्रेंड। हेलो। मैं और ये बचपन से ही क्लोज फ्रेंड्स हैं। दिन हो या रात, सीक्रेट्स, बॉयफ्रेंड्स, सब कुछ जानती हूँ। आप गलत मत समझिए कि हर एक बात मुझसे शेयर करती है। ये बेचारी इतनी भोली है कि कहीं भी भटक जाए घर जरूर लौटती है, समझ गए ना? बट हाउ इज इट पॉसिबल, आप ही बताइए। अगर खूबसूरत नजारा हो तो हर कोई देखेगा ना, हमारे फिल्म स्टार्स कितने हैंडसम होते हैं, उन्हें सब देखते हैं ना। मैं सही कह रही हूँ ना? वैसे आपने कितने को देखा है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। सिर्फ हीरोइनों को देखा, आई मीन अनुष्का को, करीना को। हाँ, नाइस। खाइए खाइए, बढ़िया है ना? मेरी दोस्त इससे ज्यादा मीठी है ना? मुझे तो ये कड़वी लगती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम सब यंगस्टर्स हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है, टाइम के साथ सीखते हैं, हम हर चीज में एडजस्टमेंट करते हैं, लेकिन हमारी फैमिली ऐसी नहीं है, उन्हें इस रिश्ते के टूटने का डर है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस रिश्ते को मानेंगे और पूरी लाइफ खुशी से जिएंगे, मुझ पर भरोसा कीजिए। रात में चमकने वाले उस चांद पर दाग हो सकता है, लेकिन मेरी सहेली गंगा की तरह पवित्र है। आपने इसे पसंद किया तो आप पर जान न्योछावर कर देगी। जब मैंने पहली बार आपसे बात की थी तो मैं बहुत घबरा गई थी, और इसी घबराहट के चलते मैं खुलकर शादी के लिए हाँ नहीं कर पाई। रिस्क है ये सोचकर मैं। देखो, पसंद करने के बाद रिस्क विस्क कुछ नहीं, बस साथ चलना ही तुम्हारा मकसद होना चाहिए। हमने तो सब कुछ साफ साफ बता दिया, आई होप हमारी बात सुनके देयर इज नो हार्ड फीलिंग्स। पसंद ना पसंद करना मुझे तो ओके है। व्हाट? मैं शादी के लिए तैयार हूँ, स्वाति मुझे बहुत पसंद है। तू बचपना कब छोड़ेगी? वो लड़का समझदार था इसलिए बच गए, अगर कोई और होता तो घबरा के भाग जाता। इंसान को परखने के लिए ऐसा करना पड़ता है। मैं बहुत खुश हूँ आंटी, ऐसा लगता है दे आर मेड फॉर ईच अदर। पता नहीं मेरा वुड भी कहाँ होगा, मैं उसका कब से वेट कर रही हूँ। इतनी जल्दी क्या है? जल्दी इसलिए क्योंकि टेंशन है, लड़का मुझे पसंद आना चाहिए, मैं अच्छी तरह जांचूंगी वो मुझे समझेगा या नहीं, हम दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे सेट होगा पता नहीं। ऊपर वाले की दया से सब अपने आप सेट हो जाता है। मुझे